बॉलीवुड के वो इलीट फैन जिन्हें हिंदी से ज्यादा हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा का एक्सपोजर मिल चुका है, उनको हमेशा ये कंप्लेन रहती थी कि हमारे देश में बहुत ही हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा का सिनेमा नहीं बनता, जहां पर हाई लेवल के VFX हो, CGI हो और पब्लिक को थिएटर में IMAX का एक्सपीरियंस मिल सके। हालांकि ये कंप्लेन यशराज ने दूर कर दी अपने स्पाई यूनिवर्स के जरिए और पठान का एग्जाम्पल सबके सामने है। प्लॉट एंड कहानी भले हॉलीवुड की स्पाई यूनिवर्स से इंस्पायर्ड हो, लेकिन देसी फैंस को अपने देसी एक्टर्स के ऊपर हॉलीवुड के एक्शन देखना भा रहा है और यही वजह है कि पठान के कलेक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है। बहरहाल स्पाई यूनिवर्स के तौर पर यशराज के हाथ में गोल्ड माइन लग चुकी है, जिससे वो जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकते हैं। एक तरह से KGF की गोल्ड माइन जैसी है, जिसे यशराज चाहेंगे तो हमेशा यूटिलाइज करते रहेंगे, और यूटिलाइज करने का जो स्टार ड्रामा है वो स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज के जो डायरेक्टर है पठान के सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने कई तरह के खुलासे कर दिए इस मूवी की सक्सेस पार्टी में। उन्होंने कहा है कि एक तरह का यूनिवर्स है और यूनिवर्स में हर करेक्टर अपना कुछ ना कुछ स्पिन ऑफ करने के लिए आजाद रहता है। हालांकि सबका ध्यान आजकल जिम की तरफ था, जो कि जॉन अब्राहम है, और सब यही कह रहे थे कि जॉन अब्राहम को प्रॉपर स्पिन ऑफ या फिर प्रीक्वल मिलना चाहिए, जिसके लिए सिद्धार्थ आनंद एग्री होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ सब कहना भूल गया कि कबीर का क्या होगा। बिकॉज अगर आपने पठान देखी है तो आपको याद होगा आशुतोष राणा का जो रेफरेंस है वो कबीर के साथ ही जिम का होता है, यानी जिम की जो बैक स्टोरी है वो कबीर का कंटेम्पररी एजेंट है। तो सारा मामला ऋतिक रोशन के कबीर वाले किरदार का भी है, जहां पर स्पाई यूनिवर्स को प्रॉपर एक्सपेंडेशन मिलेगा। तो यहाँ पर तीन करेक्टर्स की सीक्वेंस बनाते हैं सिद्धार्थ आनंद। पहले आते हैं कबीर यानी के, फिर दूसरे आते हैं पठान यानी पी, और तीसरे आते हैं टाइगर यानी टी। और तीनों स्पाई जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब बनता है KPT का स्पाई यूनिवर्स, जो कि सिद्धार्थ आनंद के यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा होने वाला है। बिकॉज जो ऋतिक की मार्केट है, सलमान खान की मार्केट है, शाहरुख खान की मार्केट है, वो अभी जॉन की नहीं है। इसलिए स्पाई यूनिवर्स में जो अगली फ्रेंचाइजी बनने वाली है उसमें जॉन से ज्यादा फोकस दिया जाएगा इन तीन बड़े एक्टर्स को। बिकॉज वॉर ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, सिद्धार्थ आनंद ने वॉर बनाई थी, इससे पहले बैंग बैंग भी सिद्धार्थ आनंद ने बनाई थी ऋतिक के साथ, दोनों ही काफी एक्शन कूल ड्रामा माने जाते हैं। यानी सिद्धार्थ आनंद की जो ट्यूनिंग है वो सलमान खान से ज्यादा, शाहरुख खान से ज्यादा ऋतिक के साथ जस्ती है, और ऋतिक को जिस लेवल पर वो स्टाइलिश तरीके से पेश करते हैं, जिस तरह का एक्शन करवाते हैं, वो तो हॉलीवुड के लेवल का होता है। तो सिद्धार्थ आनंद पहले तो ऋतिक को लेंगे, फिर सलमान को लेंगे, फिर शाहरुख को लेंगे, तब जाकर जॉन अब्राहम के बारे में सोचा जाएगा। तो लगता है इस फ्रेंचाइजी का जो पहला पार्ट होगा वो इन तीन स्पाई यूनिवर्स को कवर करेगा, जहां पर कबीर, पठान और टाइगर यानी KPT की टीम आएगी और एक बार फिर से किसी बड़े मिशन को अंजाम देगी और देश को एक जानलेवा खतरे से बचाएगी, जैसा पठान में होता है, टाइगर में होता है, वॉर में होता है। हालांकि मामले में कई सारे ट्विस्ट भी आने वाले हैं, बिकॉज तब तक टाइगर 3 आ चुकी होगी और टाइगर 3 के आने के बाद एक और यूनिवर्स क्रिएट हो चुका होगा, जहां पर पाकिस्तान के ISI एजेंट और पाकिस्तानी टाइगर इमरान हाशमी की भी एंट्री हो चुकी है। यानी जॉन अकेले जिम नहीं है, एक और हाशमी बैठा है एज अ बैडास विलन। तो यूनिवर्स को जितना एक्सपेंड करेंगे चुंगम की तरह उतना ही खिंचेगा। हाँ, पब्लिक को इस चुंगम में मिठास मिलनी चाहिए, वरना ये फीका हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं सिद्धार्थ आनंद इस पूरी मिठास को कायम रखेंगे और KPT के जरिए पब्लिक को पठान लेवल का ब्लॉकबस्टर सिनेमा देंगे। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।